नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। अगला सीएम कौन होगा, कौन सी पार्टी का होगा, इसकी चर्चा महाराष्ट्र में अभी से होने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए अभी से सीएम पद को लेकर पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं और इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने की है। संजय राउत ने कहा था कि आने वाले चुनाव बिना चेहरे का नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव में ठाकरे ब्रांड चला है, इसलिए फिर एक बार ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए पेश करना चाहिए। वहीं संजय राउत के इस बयान पर शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा कि हम चुनाव में सामूहिक रूप से जाएंगे। वहीं उधर महायुद्ध की तरफ से भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी ने महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव में तीन दलों को सिंगल डिजिट पर रुकना पड़ा। इस वजह से ठाकरे पवार और कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है। आने वाले विधानसभा में महाविकास आघाड़ी ने जीत का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नई नई योजना की घोषणा करके चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। शिंदे सरकार में मानसून सत्र में जो बजट पेश किया गया उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की छवि दिखाई दी है, जिसमें कई योजनाओं का ऐलान सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम से ही किया गया है। यानी इसका मतलब शिंदे का नाम भी सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत बदल गई है। बड़े नेता हारने के बाद बीजेपी बैक फुट पर है तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही। दूसरी तरफ शिंदे बनाम ठाकरे यहां विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे की खोज शुरू हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।